दोस्तों, आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बुलेट ट्रेन की, जो कि ब्रैड पिट की एक काफी जबरदस्त एक्शन थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है freshmojoindia। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें कार्टर नाम का एक आदमी नजर आता है, जो कि अपनी हैंडलर मारिया से बात करता है। और कार्टर असल में एक किलर होता है, और उसे हमेशा से लगता है कि वो काफ़ी अनलकी है, जिसमें हमेशा वो जो भी करने जाता है उसमें उल्टा ही होता है, और ये चीज़ वो मारिया को बताता है। और फिर वहाँ मारिया उसे एक बुलेट ट्रेन में जाकर उन्हें एक बैग चुराने का काम मिला है, ये वो बताती है। और वो कार्टर को इस बार उसे लेडीबग का कोडनेम देती है, और तब लेडीबग आगे बढ़ता है और वो स्टेशन पर आकर बुलेट ट्रेन में बैठ जाता है। दूसरी तरफ यूची नाम का एक दूसरा किलर होता है, और उसके पिता ने उसे जाकर बुलेट ट्रेन में किसी को मारने कहा होता है, और यूची और लेडीबग साथ में ही ट्रेन में होते हैं। और फिर मारिया के बताने के हिसाब से लेडीबग आगे बढ़ता है, और वहाँ ट्रेन में उसे दो किलर ट्विंस भी भाई नजर आते हैं, जिनका नाम टैंक और लेमन होता है। और फिर उनके पास से लेडीबग आगे बढ़ता है, और फिर मारिया के कहे मुताबिक लेडीबग को एक बैग मिल जाता है। दूसरी तरफ यूची उसके आदमी को मारने जाता है, और तब वहाँ उसे प्रिंस नाम की एक लड़की मिलती है, और तब उसे लगता है कि शायद वो गलत सीट पर आ गया है, और तब प्रिंस उसे वहीं पर शॉक देकर बेहोश कर देती है। और फिर लेमन और टैंक बात कर रहे होते हैं, जिसमें वो दोनों एक फैक्ट्री में काफी सारे लोगों को मारकर वहां पर आए होते हैं, और उन्होंने वहां पर लोगन नाम के एक लड़के को बचाकर वहां से बैग चुराया होता है, और ये काम उन्होंने लोगन के पिता व्हाइट डेथ नाम के काफी बड़े माफिया के कहने पर किया होता है। और फिर वो लोग लोगन को देखते हैं, जिसमें उन्हें उनके पैसे मिलने के बाद वो लोग लोगन और व्हाइट डेथ के बैग को उनके आदमियों को सौंप देने वाले होते हैं, जिसमें लेडीबग का चुरा हुआ बैग असल में उन दोनों भाइयों का होता है। और तब वहाँ टैंक लेमन को बताता है कि उसने बैग को सभी लोगों के सामान के साथ रखा है, और तब टैंक उसे जाकर बैग उनके पास लाने कहता है। और वहाँ लेमन देखता है कि बैग वहाँ से गायब हो चुका है, और इसी वजह से दोनों भाइयों में बहस हो जाती है, और इस चीज से टैंक की फटी पड़ी होती है, क्योंकि वो बैग व्हाइट डेथ का होता है। और जापान में कई सालों पहले किमोरा नाम का एक जापानीज असेशियन परिवार था, जो कि पूरे जापान पर राज करता था, और वहां पर व्हाइट डेथ उनके ग्रुप में जुड़ा था, जो कि उस ग्रुप का सबसे बड़ा योद्धा बन चुका था, और उसे कोई भी नहीं हरा पा रहा था, जिसमें उससे खुश होकर किमोरा परिवार का वो भरोसा जीतकर उनका सबसे खास आदमी बन चुका था। और किमोरा परिवार के मुखिया व्हाइट डेथ पर अपने बेटों से भी ज्यादा भरोसा करते थे। और फिर एक दिन व्हाइट डेथ ने पूरे के पूरे किमोरा परिवार को ही खत्म कर दिया, और तब से वो जापान का सबसे बड़ा माफिया बन चुका है, और अब उन्होंने कैसे भी उसका बैग ढूंढना होगा। और फिर दोनों भाई आके जाते, जिसमें वहां उन्हें लोगन भी मरा हुआ मिलता है, और तब दोनों समझ जाते हैं कि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। दूसरी तरफ लेडीबग बैग को लेकर ट्रेन से उतरने जाता है, और वहां उसे प्रिंस भी देख लेती है, और फिर वहां पर यूची उठता है, और तब वहां प्रिंस को पता होता है कि वो उसे मारने आया है, और फिर वो उसे उसकी गन देती है, जिसमें वो प्रिंस बताती है कि यूची का बेटा हॉस्पिटल में बीमार है, और प्रिंस का आदमी वहीं पर है, और अगर उसने कुछ भी किया तो प्रिंस उसे मरवा देगी, और इसलिए प्रिंस यूची को उसकी मदद करने कहती है, जिसमें वो मान जाता है। और फिर लेडीबग ट्रेन से उतरने जाता है, और वहीं पर वुल्फ नाम का किलर उसे देखकर उस पर हमला करता है, और फिर वुल्फ के बारे में बताया जाता है, जिसमें वो एक मैक्सिकन किलर होता है, और जवानी में वो मैक्सिकन माफियास के साथ काम करता है, और उनके कहने पर वो कई सारे लोगों को भी मार रहा होता है। और फिर उसे एक लड़की से प्यार होता है, जिसमें वो उससे शादी भी करने चाहता है, और वहां पर लेडीबग भी वेटर बनकर आया होता है, जिसमें वो वहां पर वुल्फ के बॉस को मारने आया था, लेकिन वहां शादी में सभी लोग मारे जाते हैं, और उनमें से एक वुल्फ की वाइफ भी होती है। और फिर वुल्फ को शादी में आए हुए किलर्स के बारे में पता चलता है, और इसलिए वो बुलेट ट्रेन में आता है, और वहां वो लेडीबग से लड़ने लगता है, जिसमें दोनों एक दूसरे को मारने वाले होते हैं, और वहां लेडीबग को वुल्फ जानता है, लेकिन लेडीबग उसे भूल चुका होता है, और फिर दोनों लड़ते हैं, जिसमें लेडीबग वुल्फ को मार देता है, और फिर वो उसे टेबल पर बिठा देता है।
दूसरी तरफ टैंग और लेमन भी लोगन को सीट पर नॉर्मल सुला देते और फिर वो लोग बैग ढूंढने आगे जाते हैं। दूसरी तरफ से लेडीबग बैग को लेकर आगे बढ़ता है और वो उतरने जाता है, जिसमें उसे वहां पर लेमन दिखता है और तब वो वहीं पर छुप जाता है, जिसमें लेमन से उसका सामना पहले भी हुआ था। और तब लेडीबग वहां से भागता है और तब वहां पर उसे एक टॉयमैन टकराता है और वो लेडीमैन से बैग लेने जाता है, जिसमें लेडीबग उसे मारकर बैग लेकर वहां से निकल जाता है। और फिर वो बैग को वुल्फ के कंपार्टमेंट में छुपाकर वहां से निकलता है, जिसमें प्रिंस उसे फिर से बिना बैग के देख लेती है। और वहां लेडीबग मारिया से बात करता है और एक मैक्सिकन आदमी उसे मारने आया ये वो बताता है। और तब मारिया उसे बोलती है कि उसे मैक्सिकन माफिया को मारने का काम मिला था, जिसमें लेडीबग को याद आता है कि उसने वुल्फ की शादी अटेंड की थी और वो उसके बॉस को मारने गया था और उसने वुल्फ को मार दिया है, ये वो मारिया को बताता है। और वहीं पर उसे टैंक दिखता है, जिसमें टैंक और लेडीबग एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ते हैं। और वहां आगे जाने पर टैंक को प्रिंस मिलती है, जिसमें टैंक उससे बैग के बारे में पूछता है और तब प्रिंस उसे लेडीबग के हुलिये के बारे में बताती है और उससे टैंक समझ जाता है कि उसने थोड़ी देर पहले ही लेडीबग को देखा था और वो इस बारे में लेमन को मैसेज भी कर देता है, जिसमें लेमन के सामने ही लेडीबग आता है और वो उसे जानता है ये बताता है, क्योंकि लेमन ने उसे एक बार दो गोलियां मारी थी, जिसमें लेमन ने कई सारे लोगों को मारा है ये वो बताता है। और फिर लेमन लेडीबग से बैग मांगकर उसे मारने चाहता है, जिसमें दोनों लड़ते लड़ते लोगन के पास आते हैं और लेडीबग लेमन को मारकर बेहोश कर देता है। और वहां उसे ये भी पता चलता है कि लोगन मर चुका है। और फिर लेमन की बोतल में लेडीबग बेहोशी की दवाई मिला देता है और फिर लेडीबग वहां से आगे बढ़ता है, जिसमें उस जगह पर काफ़ी बड़ी गड़बड़ चल रही है ये लेडीबग मारिया को बताता है और फिर वो वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ टैंक को लेमन बेहोश मिलता है और तब वो उसे सुलाकर दूसरे कंपार्टमेंट में आता है और वहाँ उसे लेडीबग की हेड दिखती है और तब टैंक उसे पकड़कर मारने चाहता है, लेकिन वो असल में चैनिंग टेटम निकलता है और वहाँ लेडीबग टैंक को चकमा देकर दूसरी तरफ से निकल जाता है। और फिर एक जगह पर प्रिंस ने लेडीबग का बैग ढूंढ लिया होता है और फिर वो उसे ओपन करती है, जिसमें उसे काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं। और तब वो उस बैग में बॉम्ब लगा देती है, जिसमें वो क्या कर रही है ये चीज़ यूची को नहीं समझती और वहाँ प्रिंस भी उसे कुछ नहीं बताती। और वहीं पर यूची के पिता एल्डर का फ़ोन आता है और तब यूची बताता है कि उसे प्रिंस ने पकड़ लिया है और तब एल्डर उसे संभल कर रहने कहता है। और फिर प्रिंस वहाँ से दूसरी तरफ जा रही होती है। दूसरी तरफ लेमन होश में आता है और वहाँ टैंक भी आ चुका होता है, जिसमें उन्हें वाइट डेथ से डर लग रहा होता है। और वहीं पर उन्हें वाइट डेथ का फ़ोन आता है और वो उनका सामान दोनों को अगले स्टेशन पर देने कहते हैं, जिसमें दोनों के पास एक आइडिया आता है। और फिर अगले स्टेशन पर टैंक सामने आता है और वो ट्रेन में लेमन के थ्रू लोगन का हाथ हिलवाकर उन्हें दिखाता है और आखिरी स्टेशन पर उन्हें पैसे देने कहता है, जिसमें वहाँ वाइट डेथ के लोग लोगन को देखते हैं। और फिर वहाँ से टैंक ट्रेन में बैठ जाता है और ट्रेन वहाँ से आगे बढ़ती है। और फिर दोनों भाई कैसे भी जल्द से जल्द फिर से बैग ढूंढने के लिए अलग अलग निकलते हैं। दूसरी तरफ प्रिंस भी आकर लेमन को मरा हुआ देखती है और वो उस पर थूक कर निकल जाती है। और फिर लेडीबग के सामने टैंग आ जाता है और फिर दोनों लड़ने लगते हैं, जिसमें दोनों लड़ते लड़ते किचन में आते हैं और वहाँ टैंग लेडीबग को मारने जाता है। और तब लेडीबग ट्रेन का दरवाज़ा ओपन कर देता है और दोनों ट्रेन के बाहर लटक जाते हैं। और फिर दोनों वहाँ से अंदर आते हैं और दोनों शांत होते हैं। और वहीं पर एक स्टेशन आता है और तब लेडीबग टैंक को मारकर ट्रेन से बाहर फेंक देता है, लेकिन टैंक वहां से फिर से ट्रेन के पीछे से लटक कर आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ प्रिंस और यूची आगे बढ़ते हैं और वहां उन्हें लेमन मिलता है और वो उन्हें लेडीबग के बारे में पूछता है, जिसमें लेमन उसका पानी भी पी रहा होता है, जिसमें लेडीबग ने बेहोशी की दवाई मिलाई होती है। और वहाँ प्रिंस बोलती है कि उसने किसी भी लेडीबग जैसे आदमी को बैग के साथ नहीं देखा। और वहाँ लेमन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और तब प्रिंस बिचाली लड़की बनने का नाटक करती है और यूची ने उसे किडनैप किया ये बोलती है। और तब लेमन यूची को गोली मारता है और लेमन और प्रिंस वहाँ से निकलते हैं, जिसमें लेमन प्रिंस के बैग में गन देख लेता है और वो समझ जाता है कि वो झूठी है और वो उसे मारने चाहता है। और तब लेमन वहीं पर बेहोशी की दवाई से बेहोश हो जाता है और तब प्रिंस
लेमन और युची दोनों को बाथरूम में बंद कर देती है। दूसरी तरफ से टैंक वहां का कांच तोड़कर फिर से ट्रेन में आ चुका होता है और फिर लेडीबग आगे बढ़ता है और वहां उसे उसका बैग फिर से उसी की जगह पर मिलता है जिसमें प्रिंस ने उसमें बॉम्ब रख दिया होता है। और फिर लेडीबग वहां पर वुल्फ के कपड़े देखता है जिसमें उसे एक फोटो मिलता है जो कि हॉर्नेट नाम की एक किलर का होता है और वो लेडीबग के साथ वुल्फ की शादी में भी थी ये उसे याद आता है और उसी ने शादी में जहर देकर सभी लोगों को मार दिया था ये लेडीबग समझ जाता है। और वहीं पर उसके सामने हॉर्नेट आ जाती है और उसी ने ट्रेन में लोगों को भी मारा था और फिर हॉर्नेट और लेडीबग एक दूसरे से लड़ते जिसमें हॉर्नेट जहरीला इंजेक्शन लेडीबग को मारने चाहती है लेकिन लेडीबग वो उसे ही मार देता है। और फिर वहाँ हॉर्नेट ही टॉयमैन के कपड़ों में थी जिसमें व्हाइट डेथ ने उसे वहां पर भेजा था और उसे लोगों को मारने का काम मिला था जिसमें उसे पैसे उस बैग से मिलने वाले थे ये वो बताती है और वहीं पर वो तड़प तड़प कर मारी जाती है। दूसरी तरफ टैंक को वॉशरूम में लेमन और युची की लाशें मिलती है और तब वो अपने भाई को देखकर दुखी होता है और वो काफी ज्यादा रोता है और वहां से लेडीबग को मारने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ लेडीबग की फटी पड़ी होती है और उसे क्या करना है ये कुछ भी नहीं समझता और तब मारिया उसे वहां से दूसरी तरफ जाने कहती है। और फिर टैंक के सामने प्रिंस आती है जिसमें पूरी ट्रेन से सभी लोग उतर चुके होते हैं और वहां टैंक के पास भी प्रिंस काफी सारे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं ये बोलकर डरने का नाटक करती है। और वहीं पर लेडीबग आता है और तब टैंक उससे लड़ता है और वहीं पर एक गोली चलने पर टैंक मारा जाता है और वहां लेडीबग को प्रिंस बोलती है कि आखिरी स्टेशन पर कुछ लोग रुके हैं और वहां पर टैंक उन लोगों को बैग देने वाला था और ये चीज उसे टैंक से पता चली है और तब लेडीबग उसे वहां से लेकर निकलता है। दूसरी तरफ से युची के पिता एल्डर भी ट्रेन में घुसते हैं और वहां आकर वो एक जगह पर बैठते हैं जिसमें वहां लेडीबग और प्रिंस आखिरी स्टेशन पर जा रहे होते हैं और वहां से लेडीबग वॉशरूम में जाता है और तब प्रिंस और एल्डर बात करते हैं और वहां एल्डर को पता होता है कि प्रिंस कौन है ये वो बोलता है। साथ ही उसने अपने पोते के पास के प्रिंस के आदमी को मरवा दिया है ये भी वो बताता है और तब प्रिंस वहां से भाग जाती है और वहीं पर लेडीबग एल्डर के साथ आकर बैठता है और तब एल्डर उसे कहानी सुनाता है जिसमें कई सालों पहले जापान में किमुरा परिवार का हर चीज पर राज था और वहां पर व्हाइट डेथ नाम का एक आदमी उनके ग्रुप में आया और फिर व्हाइट डेथ ने किमुरा परिवार के मुखिया के सभी बेटों को हरा दिया था और इसी वजह से व्हाइट डेथ पर वो काफी ज्यादा भरोसा करते थे लेकिन व्हाइट डेथ भरोसे के लायक नहीं था ये चीज उनके बेटों को पता थी। और फिर व्हाइट डेथ ने उनके पूरे परिवार को मरवा दिया लेकिन किमुरा परिवार का एक बेटा बच चुका था जिसमें उसकी पत्नी भी मारी गई थी और अब किमुरा परिवार में से वो लड़का और उसका बेटा व्हाइट डेथ को मारने के लिए ही बचे और वो एल्डर और उसका बेटा युची है ये वो बताता है जिसमें वो लोग कई सालों से व्हाइट डेथ को मार देना चाहते हैं और इसी वजह से वो लोग वहां पर आए हैं और तब लेडीबग कंफ्यूज होता है और फिर दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं जिसमें उन्हें वॉशरूम में लेमन और युची मिलते हैं और वो दोनों बेहोश थे और फिर दोनों उड़ जाते हैं और वहां युची बताता है कि लेमन ने उसे मारने की कोशिश की थी और वहां लेमन को लेडीबग बताता है कि उसका भाई मर चुका है और तब लेमन आकर टैंक को देखता है जिसमें वो अपने भाई की मौत से दुखी होता है और फिर लेडीबग ने टैंक को मारा और युची ने लेमन को मारने की कोशिश की इस चीज से तीनों में झगड़ा होता है और तब वहाँ एल्डर बताता है कि अब आखिरी स्टेशन पर उनका सामना व्हाइट डेथ से होगा और अगर उन्होंने मिलकर उससे लड़ाई नहीं की तो वो चारों मारे जा सकते हैं और तब वहाँ चारों मिलकर लड़ने का डिसाइड करते हैं और उनमें से बैग लेकर लेडीबग स्टेशन पर जाएगा ये वो बताता है। और फिर आखिरी स्टेशन पर कई सारे किलर्स के साथ हमें स्वयं व्हाइट डेथ भी नजर आते हैं और ट्रेन रुकने पर वो ट्रेन में घुसता है जिसमें वहां उन्हें मारने के लिए प्रिंस आई होती है और तब व्हाइट डेथ उसके पास आता है और प्रिंस उसी की बेटी होती है जिसमें वो अपने पिता से नफरत करती है क्योंकि उन्होंने कभी भी उसे अपनी बेटी नहीं समझा ये वो बताती है। अब लोगन भी मर चुका होता है और तब व्हाइट डेथ उसकी गन ले लेता है और तब प्रिंस उसे मार देने कहती है। असल में प्रिंस ने पिस्तौल में गड़बड़ की थी और उसने जानबूझकर व्हाइट डेथ को वो गन दी और उसे चलाने वाले को ही गोली लगने वाली थी
और तब वहाँ वाइट डेथ अपनी बेटी से इतनी भी नफरत नहीं करता ये बताकर वहाँ से आगे बढ़ता है और तब प्रिंस काफ़ी दुखी होती है। दूसरी तरफ से लेडीबग बाहर आकर बैग देता है जिसमें सब उसे मारने चाहते हैं और फिर वाइट डेथ बाहर आता है और अंदर की तरफ लेमन ट्रेन के इंजन के पास आता है जिसमें वहाँ पर सभी चीज़ें जैपनीज में लिखी होती है और फिर ट्रेन में बाकी गुंडे घुसकर एल्डर और यूची को पकड़ लेते हैं और फिर बाहर लेडीबग ट्रेन में काफ़ी सारे किलर्स थे ये वाइट डेथ को बताता है और तब वाइट डेथ बताता है कि वहाँ पर सभी के होने के कुछ रीजंस थे जिसमें कई सालों पहले उसकी पत्नी मारी गई थी और ये चीज़ एक एक्सीडेंट में हुई थी जिसमें ये चीज़ उसकी गलती थी क्योंकि उस दिन उसके वाइफ की सिक्योरिटी में जो भी लोग थे उन्होंने टैंक और लेमन ने मार दिया था और इसलिए उसके पास सिक्योरिटी नहीं थी और इसलिए वो दोनों ट्रेन में थे और फिर जब वो हॉस्पिटल में थी तब वहाँ के डॉक्टर को मारने का काम हॉर्नेट को किसी ने दिया था और उसने डॉक्टर को जहर देकर मार दिया था इसलिए उसकी वाइफ बच नहीं पाई और इसलिए हॉर्नेट भी ट्रेन में थी। और तब लेडीबग लोगन के बारे में पूछता है और तब वाइट डेथ बताता है कि लोगन उसका सौतेला बेटा है और बार बार वो जेल में चला जाता था और वो उसे छुड़ा नहीं रहा था और इसी वजह से उसकी वाइफ उसे छोड़कर जा रही थी और इसलिए उसने लोगन को हॉर्नेट के हाथों ही मरवा दिया और उसकी वाइफ की कार को जिस आदमी ने ठोका था उसे लगा था कि वाइट डेथ भी उसमें होगा और ये काम लेडीबग यानी कि कार्टर ने किया है ये वाइट डेथ बोलता है और इसी वजह से कार्टर भी उस ट्रेन में था ये वो बोलता है और फिर पता चलता है कि वाइट डेथ की पत्नी को मारने वाला कार्टर असल में रियान रेनॉल्ड्स होता है और तब लेडीबग बोलता है कि वो दूसरा कार्टर था और वहीं पर वाइट डेथ के लोग बैग खोलते हैं जिसमें वहां पर एक धमाका होता है और लेडीबग जाकर ट्रेन में गिरता है। दूसरी तरफ अंदर यूची और एल्डर वहाँ पर गुंडों को मारने लगते हैं फिर लेमन ट्रेन शुरू कर देता है जिसमें वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ किलर्स के साथ वाइट डेथ भी ट्रेन में घुसता है जिसमें एल्डर सभी गुंडों को मारता है और फिर वहाँ पर लेडीबग भी आगे बढ़ता है और फिर ट्रेन में वाइट डेथ और एल्डर आमने सामने आते हैं और उनकी लड़ाई आज ख़त्म होगी ये वो बोलते हैं और फिर दोनों लड़ने लगते हैं जिसमें वाइट डेथ आज भी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है और वो एल्डर को हरा देता है। दूसरी तरफ लेडीबग लेमन के सामने आता है जिसमें वहाँ गुंडे उन पर हमला करते हैं और तब लेमन उन्हें पकड़ पकड़ कर मारता है और वहाँ लेडीबग को भी जैपनीज नहीं आती और इसी वजह से वो ट्रेन को स्लो नहीं कर पाता और वहीं पर एक दूसरी ट्रेन उस ट्रेन से टकराती है और वहाँ वो दूसरी ट्रेन को उड़ाकर आगे बढ़ती है और फिर वहाँ लेमन दुखी होता है और वहाँ एक आदमी लेडीबग को मारने जाता है और तब लेमन उसे पकड़कर बाहर गिरकर लेडीबग की जान बचा लेता है और फिर लेडीबग को ट्रेन में ब्रेक मिलता है और तब वो ब्रेक से उसे रोक लेता है लेकिन उनके सामने दीवार आ जाती है जिसमें ट्रेन के इस डब्बे से लेडीबग अंदर की तरफ गिरता है और वो एक टॉय मैन पर गिर पड़ता है जिसमें उसे वहाँ पर एल्डर और यूची भी दिखते हैं और वो सारे डिब्बे जाकर एक शहर में गिरते हैं और फिर वहाँ से बाहर सभी लोग घायल हालत में आ रहे होते हैं और तब वहाँ लेडीबग को मारने के लिए वाइट डेथ गन निकालता है और तब लेडीबग बताता है कि वो एक दूसरा कार्टर है और उसने उसकी पत्नी को नहीं मारा है और तब वहाँ वाइट डेथ उसे मारने चाहता है लेकिन वो प्रिंस की गन होती है और उससे वाइट डेथ का मुंह ही उड़ जाता है और ये चीज़ एल्डर और यूची भी देखते हैं जिसमें एल्डर वाइट डेथ को अपनी तलवार से मारकर अपना बदला ख़त्म करता है और फिर तीनों वहाँ से निकलते हैं जिसमें उनके सामने प्रिंस आती है और वो बोलती है कि ये उसका लक ही है जिसमें वो अपने पिता को मारने आई थी और वो मर चुके हैं और वहीं पर एक गाड़ी प्रिंस को ठोक देती है और तब वहाँ से एल्डर और यूची अपने घर जाने निकलते हैं और वहाँ एक कार में मारिया आती है और वो लेडीबग से मिलती है जिसमें लेडीबग का कोई अपना उसे लेने आया ये सोचकर वो इमोशनल हो जाता है और फिर दोनों वहाँ से निकलते जिसमें मारिया की कार लेडीबग को पसंद आती है ये वो बताता है और वहीं पर एक खंभा उस पर गिर पड़ता है और वो कार बर्बाद हो जाती है और तब दोनों वहाँ से चलकर निकलते हैं और उसका लक सच्ची में काफ़ी ख़राब है ये मारिया बताती है और इसी के साथ ये शानदार फिल्म खत्म होती है।
और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।